प्रयागराज में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। शुक्रवार को पारा 48 के पार पहुंच गया। लोग इस भीषण और शरीर जला देने वाली तपिश से परेशान नजर आ रहे हैं। सड़कों पर लोग मुंह ढककर चल रहे हैं। सूरज का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया है। इस भीषण गर्मी में बाहर निकलने से लोग तौबा करने लगे हैं। धूप बहुत ज़्यादा है और लोग गर्मी से बचने के लिए अपना फेस कवर कर रहे हैं और जहाँ पे छाँव हो वहाँ से चलने की कोशिश कर रहे हैं। 8-9 बजे से ही अगर निकलो तो 8:30-9 बजे से ही धूप मतलब फील होने लगते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा धूप है। सबसे ज़्यादा गर्म है इलाहाबाद। हाँ जी इलाहाबाद। कुछ लोगों की शिकायत है कि कुंभ के चलते पेड़ों की कटाई बड़े पैमाने पर की गई है, इस वजह से रास्ते में कहीं छांव नहीं मिलती। लोगों का कहना है कि जब चार पहिए वाली गाड़ी का एसी बेअसर साबित हो रहा है तो फिर टू व्हीलर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। टू व्हीलर तो बिल्कुल छोड़ दिया गया है और फोर व्हीलर में भी चलाने के बाद एसी चलने के बाद भी आधे घंटे स्टीयरिंग गर्म रहती है, लगता है कि हाथ पर छाले ना पड़ जाएं और फुल स्पीड पर करने के बाद। और टू व्हीलर का छोड़ने का कारण एक और है कि कुंभ की वजह से सड़कें चौड़ी हुई हैं और बिल्कुल पेड़ नहीं है, एक एक किलोमीटर दूर तक कोई पेड़ नहीं है और उसमें चलने में इतनी दिक्कत आ रही है कि कुछ लोग बेहोश से हो जा रहे हैं। मौसम के जानकारों की माने तो प्रयागराज में पड़ रही भीषण गर्मी की कई वजह है। एक वजह राजस्थान से आने वाली हवा है जो गर्मी बढ़ा रही है। राजस्थान की तरफ से हवाएं चल रही हैं, इस समय जो हवा की दिशा है वो पछुआ है, तो जो राजस्थान की तरफ से हवाएं चल रही हैं ये भी एकदम ड्राई विंड्स हैं। और जो चौथा कारण है वो ये है कि इस समय एलिनो भी काफ़ी सक्रिय हो गया है, तो ये जो सूखी हवाएं हैं, जो सूर्य के किरणों की तीव्रता है, जो पछुआ एकदम गर्म हवा चल रही है, इन सब चीज़ों ने मिला करके आप समझिए पूरे के पूरे उत्तरी भारत में एकदम इस समय लू के थपेड़ों को या गर्म हवा का पूरा जो झोंका चल रहा है ये अभी आने वाले दिनों में कम से कम 15-20 दिनों तक ये चलने वाला है। शहर से 60 किलोमीटर दूर पठारी इलाके की बात करें तो यहाँ की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। यहाँ लोग पानी की समस्या से जूझते नजर आते हैं। लोग कुएं और पोखरों में घुसकर पानी निकालने को मजबूर हैं। कानपुर में भी अंगारे बरस रहे हैं। शुक्रवार की दोपहर तापमान 46.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये इस सीजन का सबसे गर्म दिन था। लोग सड़कों पर मजबूरी में ही निकले। जिन्हें निकलना पड़ा वो लू के थपेड़ों से बचने के लिए हाथ मुंह ढक कर चलते दिखे। काम नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें, मजबूरी होती तब निकलते हैं दिन में, वरना निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आदमी त्रस्त है सूर्य भगवान से। सूर्य भगवान भी ऐसा लग रहा है इसे नाराज हो गए हैं पृथ्वी पे कि क्या किया जाए, इनको भी मनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कारण भी हम ही लोग हैं कि क्या है कि पेड़ काटे जा रहे हैं, अगर पेड़ काटे ना जाए तो कम से कम कहीं इसके लिए कुछ साधन होगा, कुछ गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम के जानकार बता रहे हैं कि इस गर्मी से जल्द निजात की उम्मीद नहीं है, वहीं प्रचंड गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे टेम्परेचर 46 या 47 चल रहा है जिससे आम जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप खुला बाँह का पहन के बाहर निकल आए तो हाथ पैर ऐसे झुलस जाएंगे जैसे लग रहा है कहीं आग में आपको बैठा दिया गया है तपती धूप में। वाराणसी में पिछले 9 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी गुरुवार को पड़ी। दिन में मानो आसमान से आग बरस रही थी। 46 डिग्री तापमान को पार कर गर्मी ने कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। हवा चेहरे को झुलसा रही थी। गर्मी के बचने के लिए हम भी गमछा बांधकर बाहर निकले थे, दर्शन करने गए थे। वहाँ पर इतना मतलब चप्पल निकाल कर दर्शन करना पड़ता है, इतना तेज जमीन जल रहा है कि आदमी दर्शन भी नहीं कर पा रहा है सही से। बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, 7 बजे से ही ऐसा लग रहा है कि घर से बाहर ना निकले, और सत्तू और पन्ना पी के तो हम लोग रह रहे हैं। बहुत इच्छा नहीं कर रही कि बाहर निकले लेकिन मजबूरी है, पेट का सवाल है, बाहर निकलना पड़ रहा है। वाराणसी में 1998 में सबसे अधिक तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। लखनऊ में पिछले कई दिनों से तापमान 44 डिग्री के आसपास था। शुक्रवार को पारा 45 डिग्री पर पहुंच गया। बीते 10 साल में मई महीने में इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी। रात को तापमान कम हो जाता है लेकिन दोपहर होते ही गर्म हवा के थपेड़े कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर देते हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग बेल नींबू के शरबत का सहारा ले रहे हैं। गर्मी तो भैया बहुत है, टेम्परेचर का हाल इतना है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। मन तो यही होता है कि घूमती नदी में बैठे रहो 24 घंटे,
अगर ये बेल का आइटम या ऐसा कुछ आइटम ना हो तो बिल्कुल दिन भर पार करना ही बहुत मुश्किल है। यूपी के गोंडा में पड़ रही भयंकर गर्मी से तालाबों का पानी सूख गया है। चारों तरफ तालाब सूख चुके हैं, जिससे जानवरों के सामने प्यास बुझाने की समस्या पैदा हो गई है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही हर ग्राम पंचायत में तालाबों को चिन्हित करके उनमें पानी भरवाया जाएगा।